चला गया यार प्लास्टिक का गुड्डा है ये, सबको जगाने वाला प्लास्टिक के गुड्डे से डर गया। लिंक क्या था? ओए मिलते हैं थोड़ी देर में, मैं लिंक याद कर लूं। रमजान काबिले सद-ए-एहतराम, आज का प्रोग्राम रमजान के बारे में है, उसकी फजीलत नहीं बतानी, वो तो मौलाना हजरत बताते हैं। अपने आप के गरेबान में झांकना है, खुद देखना है कि आखिर लालच हमें क्यों घेर लेती है। पूरी दुनिया में जब अशियाए खुर्द व नोश सस्ती हैं रमजान के महीने में, तो हमारे यहाँ क्यों महंगी हो जाती है। आज आपको जगाना है इसी लालच के बारे में, ताकि कभी जिंदगी में आप लालच का अयादा कर ना सकें। मैं जगा रहा हूँ मुनाफा खोरो, आप जागो, मेरा काम है जगाना और मैं जगाऊंगा। आज 17 तारीख है, 17 जुलाई, और हम ये जानना चाह रहे हैं कि रमजान से पहले महंगाई हो जाती है या उसमें बतदरीज इजाफा किया जाता है। तो आइए, रमजान हमारा मेहमान, उसका इस्तकबाल कर रहे हैं, लोगों से बात करते हैं। अच्छा, रमजान की आमद है और क्या कहती हैं कि इस वक्त 17 तारीख है, तो क्या महंगाई में इजाफा हो गया है कुछ? महंगाई में बहुत इजाफा हो गया है, कुछ कम करें, प्राइस हर चीज़ पे ज़्यादा है, खाने पे और आटे पे। अच्छा, अभी अभी जैसे आप प्याज लेने जाते नहीं हैं, तो प्याज आपकी कितने की मिलती थी अभी कुछ दिन पहले? 20 रुपए किलो बिकती है कभी प्याज, कभी कभी। आजकल कितने की रमजान चूके आ रहा है? आजकल तो यही रेट चल रहा है, अभी तो प्याज का 20 रुपए किलो ही चल जाएंगे। तो आप क्या समझते हैं कहाँ तक पहुँच जाएगी? भाई बहुत आसमान से बातें करेंगे, हो जाता है 60-80 तक हो जाता है। अच्छा, आप लोग अब जब रमजान की तैयारी करें, तो हमारी आमदनियाँ तो बहुत ही महदूद है, तो इस महदूद आमदनी में अब आपको आमदनी तो वही है लेकिन खर्चा आपका जो बढ़ जाता है, तो उसको कैसे मैनेज करती हैं? बस घर के और दिल मार लेते हैं हर चीज़ से। भाई गोश्त बनाना होते, गोश्त नहीं बनाते, उस दिन से फ्रूट ले लेते हैं हम कि भाई चलो गोश्त के पैसे बचेंगे, सब्जी ले लेते हैं, दाल बना लेते हैं, इसका वक्त निकाल लेते हैं, जैसे कि अफ्तारी के लिए भी आप लोगों को एहतमाम करना होता है। हाँ जी, करना होता है, वो तो ये तो कह रहे हैं गोश्त बनाना, तो 250 में गोश्त बनता है। माशाल्लाह खवातीन, तो जैसे गोश्त नहीं बनाते हैं हम, फ्रूट ले लेते हैं एक दिन के, भाई दो दिन हमारे फ्रूट चले, 200-250 हमारे गोश्त। एक अफ्तारी पे कितना खर्चा, आपके घर के कितने अफराद? कितना हमारे अफ्तार में 8 अफराद हैं हम, कितना खर्चा हमारे 450 रुपए रोज खर्चे होते हैं। इस दफा तो पैसे बढ़ जाएंगे, तो अब आप बताएंगे अब महंगाई की वजह से आप क्या समझते हैं कितना खर्चा होगा अफ्तार? बहुत ज्यादा, रमजान ने क्या बताया, किस चीज का हिसाब लगाएंगे आप? तेल देखे ऑयल, पकौड़े कितने बनाएंगे बंदे? एक पाव को तो बनाएगा पकौड़े, 3-1.5 पाव तेल लगता है एक पाव में, तो आप बताइए तेल कितना महंगा है? तो 175 रुपए किलो तेल। आप सब बादशाह सलामत को क्या कहना चाहते हैं? नहीं, मेरी बहन ना उससे बात करिए, बादशाह सलामत को क्या कहेंगे? कहेंगे बस प्राइस कम रखें, कीमतें कम करें और घर में महंगाई से बस आवाम के लिए कुछ रियायत करें। तो आमदनी 18 है और खर्चा रुपया है, ये बात तो है। तो या तो आप ये कहेंगे हमारे शोरों की तनख्वाहें बढ़ा दो? हाँ, ये बात यही होगा, बिल्कुल यही होगा, इशारे अशोर की तनख्वाहें बढ़ेंगी, जैसे तो मखराज भी आ गए, भाई बच्चों के लिए सब कुछ चाहिए होता है, क्या कह रहे हैं बच्चों के लिए, यानी अभी आपको कपड़े बनाने हैं, बाद आपको अफ्तारी का खर्चा करना है, हर चीज होते हैं, कपड़े तो दूर की बात है, ईद किसने देगी? तो दुआ करें कुछ वो भी जाग जाए। हाँ, सही, आप जैसे को भी रे माए बादशाह सलाम और शाम। हम तो खुद ही दिहाड़ी मजदूर हैं, हमारा तो आपके पास पहुंच जाते हैं। हां बस भाई, नहीं कह सकते कुछ भी। हां जी, उनको रहम नहीं आएगा, वो तो और देखिए बादशाह सलामत और क्या कर रहे हैं। आपकी उम्र कितनी है? माशाल्लाह पता नहीं, बच्चे 80-90 साल तो हो गए। नहीं नहीं, 90 साल 80 चले, 80 नहीं, हम करते हैं 75। बादशाह सलामत खुदा के वास्ते इस 75 साल की खातून पे रहम का लो, ये एक रोटी खाती होगी? अरे एक टाइम खाती हूँ, वो भी नहीं खाई जाती, क्या करें? देखें ये हालत है। जागिए बादशाह सलामत, जागिए। इस वक्त आप ये आम बेच रहे हैं, तो कितने रुपए किलो है? 60 रुपए। 60 रुपए, ये कौन सा आम है? चौंसा। अच्छा, अब रमजान आने वाला है, ठीक है, आप तो खरीद के बेचेंगे ना, तो रमजान में महंगा हो जाता है? यही बिकेगा 60 रुपए किलो, 70 रुपए। भाई मियां, तुम तो खुद इतने माशाल्लाह सेहतमंद हो, केले तुमने, केले के बच्चे रखे चाइना का माल है ये, इसकी तो गारंटी भी नहीं है, यही तो मैं कह रहा हूँ, चाइना में हाथ भी बड़े नहीं होते तो केले कहाँ से होंगे। अच्छा ये बात तो सही है। अब ये देखो, ये केले का बच्चा छोटा वाला, अच्छा ये बताओ कि पेट में अगर दर्द हो इसको खाने से तो ठीक नहीं होगा? क्यों नहीं होगा?
बच्चा है चाइना का। कैप्सूल इतना सा होता है, कितने बड़े आदमी को सही कर देता है। तो उसमें तो दवाई होती है। तो इसमें भी दवाई है। इसमें कहाँ दवाई है, छोटी सी थोड़ी सी दवाई है। सीबी है शायद, आपने पी भी है। इसमें इसमें पोटाशियम है, पोटाशियम। अच्छा ये बताओ अभी अभी कितने रुपए दर्जन केला दे रहे हो? अभी 30 रुपए 40 रुपए, मगर रमजान में बहुत महंगा हो जाएगा केला। हो जाएगा, देखो ये एक दलेर आदमी है और ये बिल्कुल सही कह रहे हैं। महंगा हो जाएगा केला, और उसके अलावा पता क्या है, हमारे यहाँ कोई पूछने वाला ही नहीं। आप भी देख रहे हो, मैं भी देख रहा हूँ। अंदाजन कितने का हो जाएगा? रमजान में कम से कम भी 70-80-100-150। 70 पहला आश्रा, 80-100 दूसरा आश्रा, और 100-150 तीसरे आश्रे में। बस यहाँ आके तड़िए लगेंगी, वहाँ जाके कोई भी नहीं बोलता मंडी में। यहाँ आके कहते महंगाई कर दी। यार एक तरकीब करें, ये छोटा केला ले लेंगे और ये रमजान में बड़ा हो जाएगा। यार आप ये आलू और प्याज बेच रहे हैं इस वक्त क्या हिसाब है? आलू का 20 रुपए किलो है। 20? अबे यार आपने यहाँ अंदर आने की जगह नहीं छोड़ी, मैं वहाँ आ रहा हूँ। ये दरवाजा लगाया हुआ है, ये इन्होंने दरवाजा लगाया। अच्छा अब यहाँ सही ना, कंधे पे हाथ रख के बात करेंगे दोनों भाई। ये बताओ ये कैसे दिया? 20 रुपए। और ये आलू 20 रुपए किलो। अच्छा अभी रमजान आने वाला है, आपका मेहमान मेरा मेहमान, अल्लाह का दिया तोहफा, कितने कितने हो जाएंगे? एक आइडिया होता है ना, आदमी हर साल बेचते। पक्की बात है? बिल्कुल। मैं ये सब खड़े होगा, मैं रमजान में आ जाऊंगा। आ जाना। पहले श्रे में आऊंगा, ठीक है। दूसरे श्रे में आऊंगा, तीसरे श्रे में आने तक वो बंद हो जाता है, ठीक है। अच्छा लेकिन बहरहाल ये वाकई के 20 रुपए, अभी मैंने कई जगह पता किया तो 25 रुपए भी मिल रहा है। नहीं 25 रुपए कहीं 20 रुपए है। तो ये तो फिर ईमान नहीं हुआ ना, हम तो 20 रुपए के बेचते हैं। आप माशाल्लाह ईमानदार आदमी है, लोग तो 25 का ही बेच रहे हैं। कोई 25 तो आप कोशिश करेंगे रमजान में इंशाल्लाह और कुछ कम हो जाए। अच्छा और कुछ कम हो जाए, ये पहली दफा सुन रहा हूँ। यार बरकत तो सिर्फ दुकानदार की होती है, सब्जी बेचने वाले की होती है। हम जो गरीब लोग हैं ना, जिनकी तनख्वाह है, उसकी बरकत नाम ही कोई चीज नहीं होती, जहमत हो जाती है। अल्लाह तो अच्छा ही करता है, गड़बड़ हम कर देते हैं। हम कैसे करते हैं? हम कहते हैं यार अब तो बेटा सबने पकौड़े तलने ही है, आलू महंगे कर दो, प्याज महंगे कर दो। इंशाल्लाह नहीं होंगे, चलो देखते हैं। सब लोग पुरुमीद हैं, छोटे केले वाले भी और आलू प्याज वाले भी। अच्छा आप रमजान की आमद आमद है, ठीक है, और आप माशाल्लाह घर की चीजें खुद ही मैंने देखा है खरीदते हैं। तो अब जो आप सौदा लेने निकले हैं और आज से एक महीने पहले कुछ कीमतों में फर्क आया है? बहुत फर्क आया है। क्या मतलब बताइए? टमाटर 15 रुपए किलो मिल रहे थे, अब 20 हो गए 2 दिन से। यानी रमजान करीब को है और चीजें महंगी हो रही है। आप तक आप तो हर साल लेते हैं माशाल्लाह, तो ये बताइए कि रमजान में कीमतें कितनी बढ़ जाएंगी? गाड़ियाँ तो होता है तकरीबन 50%। पेट्रोल पहले बढ़ा, उसके बाद अब 50% बढ़ जाएगी। अरे यानी जो 13 रुपए की चीज है वो तो फिर उसके बाद हम तुम कहते रह जाएंगे, मगर ये कीमतें बढ़ते चले जाएंगे। बादशाह सलामत को बोले हमारा ख्याल रखे, कैमरे में बोले। बादशाह सलामत क्या मतलब ये हमारे जो हुकुमरान है वो खामोशी से बैठे हुए हैं, वही तो बादशाह हैं, वही तवज्जो कर लें तो आज मकसद ये गरीब आवाम जो है ये पिस रही है चक्की के अंदर, उससे बच जाएगी। अच्छा आप यहाँ खरीदारी कर रहे हैं तो बेगम नहीं करती, आप खुद करते हैं? खुद ही करनी पड़ रही है, क्या करें, महंगाई इतनी। चलो निकलो खुद करो। अच्छा ये बताएं क्या खरीदा? अभी तो फिलहाल पापड़ ही खरीदे हैं। रमजान में पापड़ खाएंगे बस, क्या करें, महंगाई इतनी हो गई है। लगा है मुर्गियों का बाजार, देखो नई तहजीब के आसार देखो। अरे भाई मुझे तो गाना याद आ गया, क्या खूबसूरत तुमने मुर्गियाँ सजाई हैं। ये बताएं आप ये मुर्गी जो है ये अभी आपने बोर्ड लगाया हुआ 160 रुपये, तो ये मुर्गी जिंदा मुर्गी का गोश्त है या गोश्त का रेट है? जिंदा मुर्गी का रेट है। अच्छा और गोश्त कितने का दे रहे हैं? गोश्त 210। अच्छा अभी आप इस वक्त इस रेट पे दे रहे हैं और ये मेरे ख्याल काफ़ी अच्छे से रेट चल रहा है। नहीं कल 2। अच्छा कम हुआ है, यानी एक मिसाल कायम हो गई कि रमज़ान से पहले रेट कम हुआ है। लेकिन ये बताइए कि रमज़ान में क्या हो जाएगा? ये तो रोज के रेट होते हैं इसके। यार एक चीज होती है संगदाना, ये पड़े हैं संगदाने, इनको कहते हैं पोटा, जरा दिखाइएगा, इनको कहते हैं पोटा। और रमजान में हमारे पोटे फट जाते हैं, हर चीज महंगी होती है, हम कहेंगे रहते ही नहीं है। अब आप ये बताइए, आप कह रहे हैं सस्ती हो जाएगी, मैं रमजान में आऊँ चेक करूँ, आप कितने की कर देंगे? आप जो रेट होगा वही मुनासिब लगाएंगे। वो तो फिर आपने कहानी डाल दी, आप मुझे बताएं 140 की हो जाएगी, 150 की हो जाएगी, 130 की हो जाएगी, कुछ तो अंदाजा हो। मुर्गी के रोज के रेट होते हैं इसके। मुर्गी क्या वो है वीना मलिक है जी, मतलब जब एक्टिंग करती है रेट बढ़ा देती है, ये तो, सही होता है। नहीं फिर भी रेट क्यों रोज चेंज होते हैं? ये तो फार्म वालों से पूछो इसके रेट क्यों कभी कम कभी ज्यादा,
कोई वजह तो होगी ना, मुर्गी की खुराक महंगी है या मुर्गी नखरे दिखाती है, क्या है? फार्म में माल कम होता तो रेट बढ़ जाते हैं, फार्म में अगर माल ज्यादा होता है तो रेट कम हो जाता है। देखो ना आवाम का हाल देखो भाई, ये दिखाना जरा, जरा देखिए एक मोटरसाइकिल पे कितने लोग बैठे हुए। अब ये बेचारे, इनके पास इतने पैसे नहीं गाड़ी लेने, ऊपर से इन पे महंगाई का बम गिरेगा क्या, तो वो आप वादा करें कि आप नहीं बढ़ाएंगे पैसे। इंशाल्लाह कुछ अब कुछ कमा लें, मुनासिब आखिरत का भी कमा लें यार। 200 का रेट आ रहे हैं, आप 210 190 का नहीं बेच सकते, इसमें तो नुकसान है ना फिर। नहीं, आपके प्रॉफिट में कमी हो जाएगी, और जब प्रॉफिट कम रखेंगे तो 190 200 में नहीं, आपको 190 कहाँ पड़ेगी, वो तो 170 की देगा आपको, आप 20 की जगह 10 कमा लें। चलो आप हमें भी याद है ना, मैं तो भाई देखो मैं सिर्फ आपको जगा सकता हूँ, मैं अपनी बात कर रहा हूँ, अगर मेरी तनख्वाह जितनी भी है उसमें से अगर मैं सबका करूँ कुछ तो वो नेकी मेरी हो जाएगी ना, आखिरत की गारंटी हो जाएगी। तो आप लोग भी तो इस तरीके से नेकी कमा सकते हैं इंशाल्लाह, एक दिन लगा देंगे सेल, एक महीना कर लें, मैं आपका मैं बेचूंगा मुर्गी आके, पूरा महीना सेल लगा देंगे। ए सरदारी तूने तो बहुत खाई नान निहारी, अब तो है बारी हमारी। ये लालू खेत का इलाका है जिसे लखताबाद कहते हैं असल में, तो यहाँ लोग बहुत परेशान नजर आ रहे हैं, बेचारे रमजान के नाम से डर रहे हैं, तो आप बताइए क्या बीत रही है? सही डर रहे हैं, हमें सोचना चाहिए और हमारी सियासत को बहुत ज़्यादा इस चीज़ पे कॉन्सेंट्रेट करना चाहिए कि कमिंग रमज़ान है और प्राइस इतने हाई हो रहे हैं, तो हम लोग बहुत मतलब अपसेट हो चुके हैं महंगाई के लिहाज से। तो कीमतें कितनी बढ़ गई हैं मतलब अभी? मतलब 4 गुना मतलब 4 गुना बढ़ चुकी हैं कीमतें, और पीपल मतलब पुअर पीपल वी कांट अफोर्ड इट आई थिंक। तो आप बादशाह सलामत से कुछ कहेंगी? मैं यही कहना चाहूँगी कि हमें इस पर कॉन्सेंट्रेट करना चाहिए और प्राइस को कम करना चाहिए, जो गरीब आवाम है, पीपल है, पुअर पीपल है, वो हर चीज़ अफोर्ड कर सके। एक मिनट दे दे यार, एक अच्छी बात कर रहा हूँ, ये निकल जा। एक मिनट में नुकसान हो जाएगा। कितना किसका? 1 लाख का? हाँ। क्या करते हो? अब भाई 1 लाख का नुकसान हो जाएगा उसका। दोस्तों हम 17 जुलाई को इस लखताबाद की फ्रूट मंडी में और ये जो पथारे लगे हुए यहाँ आए, आवाम से भी बात की और पथारे वालों से भी बात की, उनसे उनकी चीज़ों के रेट्स लिए, और सब ने यक जबान कहा था, एक ही बात कही थी कि पैसे नहीं बढ़ाएंगे सिवाय एक के। तो चलें साहब देखते हैं, हम आज फिर यहाँ आए, तीसरा रोज़ा है आज रमज़ानुल मुबारक, शहर रमज़ान शुरू हो चुका है, बरकात और फयूज शुरू हो चुकी हैं, हम देखते हैं कि आवाम इन बरकात और फयूजियात से कितना फायदा उठा रहे हैं, चलते हैं देखते हैं। बस ये आलू कितने रुपए किलो दे रहे हैं? और प्याज? पक्की बात है? लोगों से पूछूंगा। अच्छा ठीक है, टेलीविजन के कैमरे पे तो ये लोग रेट्स बड़े मुनासिब बता रहे हैं, हम एग्जैक्ट उन्हीं दुकानदारों के पास जाते हैं, हम वहीं जाते हैं और देखते हैं कि वो क्या कर रहे हैं। देखो भाई ये 234 रुपए किलो और 188 रुपए किलो, ठीक है, ये लेयर है, इसमें ये 165 कहाँ है? तो हमने लगाया हुआ है ना वो 175 का है, हमने लगाया हुआ है ना वो। अच्छा, यानी पोल्ट्री रेट जो है तो तुम तो अच्छा काम कर रहे हो ना, तुम खा मगे भाई ये दिखा दो, ये पोल्ट्री रेट जो है 20 जुलाई के ही है। अब ये कह रहे हैं कि हम 165 रुपए का दे रहे हैं, क्यों भाई 165 का दे रहे हैं? और वो 190 का क्या है? 190 का क्या है? जरा घूमना बेटा घूमो, 190 रुपए का क्या है? कलेजी पोटा। तो हम तो हाँ, लेकिन ये बताओ कि रेट से खुश हो? सब खुश हैं? तो यार फिर तो तुम हाथ मिलाओ ना यार, तुम तो अच्छा आदमी निकले यार, जबरदस्त। अगर आप छोटी दुकान है तो लेंगे, अक्सर देखेंगे गोश्त के ऊपर जगह जगह रेड स्पॉट पड़े होते हैं, वो बीमार मुर्गी होती है, जबकि इनके यहाँ गोश्त में ही होगा पूरा प्योर एक जैसा गोश्त मिलेगा। आप यहाँ से मुर्गी लेते हैं? कहाँ से? आपको बहुत जल्दी थी, मैंने आपसे ही बात कर लो। नहीं नहीं, अल्हम्दुलिल्लाह यहीं से लेते हैं। तो कैसी मुर्गी देते हैं? फर्स्ट क्लास 1 नंबर। भाई ये मेरे फेवरेट केले वाले साहब आ चुके हैं, जिनको आपने टीजर में भी देखा है, जरा इनसे दो दो हाथ करते हैं।
अरे मेरे भाई आ गए चाइनीज के ले वाले। अरे अरे आइए आइए। अब ये बताइए कि 17 जुलाई को तो आप कह रहे थे 60 रुपए। हाँ। अब कितना हो गया? 40 रुपए। 40 रुपए 40 रुपीज। तो आप तो कह रहे थे 120 रुपए का हो जाएगा, 150 को। भाई मैंने मैं भी सोच रहा हूँ केले का कारोबार शुरू करूँ, चाइनीज केले लगा लूँ। भाई बेचो आप केले, मैं मना नहीं कर रहा आपको, ये देखो पता चलेगा आपको। ये पूछेंगे बताएं, ये 40 रुपए दर्जन सप्ताह। ये 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 जो केले के बच्चे ये आप खा लेती हैं? मतलब आप मतलब साइज में आपको अच्छा केला नहीं चाहिए बच्चों? मजबूरी का भाई खाना पड़ेगा। ये क्या छोटे बच्चों की शादी जल्दी कर दी गई, इसमें छोटे केले पैदा हो गए, एक चक्कर क्या है? अच्छा लेकिन यार ये घास बताओ जी, ये तुम्हारे केले छोटे क्यों हैं? भाई देखो यहाँ है मिडिल तबका, आपकी इतने लिए देखो मेरी बात करो, हर आदमी अफोर्ड नहीं कर सकता महंगा केला। क्या हाल है? नहीं तो ये छोटा केला समझ में नहीं आ रहा, छोटा केला। अब ये भाई इस वक्त पैसे बन रहे उनके, वो छोटा बड़ा सब तोड़ रहे हैं, उनके पैसे बनने हैं। जो अब बनने हैं ना ईद के बाद नहीं बनेंगे। यानी ये ईद के बाद नहीं बिकेगा? 10 रुपए दर्जन दे लेगा कोई इसको। ओ मसला ईद के बाद 10। अच्छा, आपको कितने का मिलता है अभी? तो ये समझ लो ये पहले 1000 रुपए की बेटी थी, इस वक्त 1800 रुपए। आप जब आए थे तो 800 रुपए का फर्क। हाँ ठीक है, 800 रुपए का फर्क। तो अभी महंगा हो गया? अभी महंगा हो गया। ये 40 रुपए दर्जन, यानी पहले 20 रुपए दर्जन था, अभी 40 रुपए हो गया। अब यहाँ ऐसा गरीब आदमी ले लेता भाई। अब देखो हाँ वो बेचारा ये तो करता ना, कम से कम केला चाट में डाल के खा, बस 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 गुजारा करता है आदमी। हम आपके पास आए 17 जुलाई को, ये बताइए कि आज आपके रेट्स क्या हैं? अरे ये तो आलू ने बच्चे भी दे दिए। अरे ये देखिए, देखो भाई ये बड़े आलू, अरे ये बेचारे हमें कितनी चीजें चाइना की है मेरे दोस्त। ये अबे तुम्हारे केले के साथ साथ यहाँ चाइना के आलू भी आ गए। लो भाई वो भी आ रहे हैं चाइना एक्सपर्ट। ये देखो भाई ये है आतिफ, ये आलू, और ये आलू का बच्चा। अच्छा ये इधर दिखाओ, इनको दिखाओ, ये 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 भी चाइना है क्या? ये आलू पाकिस्तानी, फ्री पाकिस्तानी, पाक पाकिस्तानी। वो छोटे छोटे बेचारे हमारी तरह कमजोर रह गए। देखो पेट के अंदर छोटे भी होते हैं, बड़े भी होते हैं, सब तरह के होते हैं। ये लो पकड़ो, बताओ क्या कह रहे हो? खेत के अंदर तो छोटे भी होते हैं, हाँ। बड़े भी होते हैं, हाँ। लेकिन ये देखो ना, अभी देखो साइज गिरता जा रहा है। ये आ गया बादशाह सलामत। हाँ। समझ गया कौन से बादशाह? बादशाह सलामत सरदारी साहब। ये बस नाम नहीं लो यार। अच्छा उसके बाद ये आ गए छोटे वजीर साहब जो चले गए। और अब ये कौन आए? ये मुशर्रफ जो चले गए काम करके। और ये छोटे से आलू कौन से? ये हवा में जो पिस रही है छोटी हो गई। आपने मुझे बताया था रेट, मुझे याद है, अब बताइए प्यासे क्या रेट? 20 रुपए किलो। 20 रुपए किलो। और आलू? आलू वही 20 रुपए। यार यहाँ बड़े हमदर्द किस्म के दुकानदार हैं मानसर, यानी आवाम का आप इतना ख्याल रखते हैं? बहुत ख्याल करते हैं। बॉस खरबूजा कैसे दे रहे हैं आप? 40 रुपए। वो लोग खड़े गवाह खड़े मेरे पास। 40 रुपए। 40 रुपए। यही है यही है यही है, ये खरीदने आया था। अबे तुम्हें मैंने यहाँ भी बेचते देखा, यहाँ भी बेचते देखा। भाई 40 रुपए किलो खरबूजा। आप बताइए खरबूजा कैसे मिल रहा है? ये 40 रुपए दे रहा है। तो रमजान से पहले कितना था? रमजान से पहले 25 रुपए था। बस ये बताओ खरबूजा कैसे दे रहे? 40 रुपए। 40 रुपए क्यों कर दो, जब 17 जुलाई को आया था तो 25 रुपए था। लियाकतबाद की हद तक तो मैं ये कहूँगा कि कुछ चीजें वाकई बहुत सही मुनासिब दामों में है, लेकिन कुछ चीजें ऐसी हैं जो बहुत महंगी हो चुकी हैं। हमें सोचना है हमारा जमीर क्या कह रहा है। मैं किसी कमिश्नर को साथ नहीं लाया, मैं किसी कानून के ठेकेदार को साथ नहीं लाया, मैं सिर्फ ज़मीर की आवाज़ सुनने आया था और ज़मीर को जगाने की कोशिश की कि जो कुछ भी इतना महंगा होता जा रहा है, आप महंगा कर रहे हैं, अगर थोड़ा सा प्रॉफिट कम कर लें तो फिर शायद हम आवाम इतना ना तक सकें। तो आप हुकूमत को दोबारा कहते हैं, खुद अपने गरीबानों में झाँकें कि आपने कहाँ तक महंगाई पहुँचा दी, सोचिएगा। ये शहर खामोशा है, यहाँ के बासी बड़े सुकून और आराम में हैं, ना लैंड माफिया, ना हिर्स, ना लालच और ना ही कोई तमाह। ये बासी बहुत मजे से अपने घरों में हैं।
अबदी नींद सो रहे हैं। इतना संजीदा क्यों हो रहा है भाई? अरे कासिम, असल बात बताना, मैं आपको सुनाने लगा हूं कहानी 500 रुपए की। जी हाँ, ये क्या चक्कर है 500 रुपए का, आपको अभी पता चलता है। जाइए और देखिए कहानी 500 रुपए की। मैं पढ़ता हूं, जब तक फातिहा। और भाईजान खैरियत से? चल आप सुनाओ जी, कैसे? यार ये पालक क्या साहब दिए? ये 100 रुपए किलो है। तो क्या हो गया भाईजान, 100 रुपए किलो पालक क्या हो गया? हम लोग की टिक्का बोडी क्यों बना रहे हो भाई? ओ भाईजान, लेना है तो लो, निकलो पतली गली से, चलो चलो। भाई यार, भाई फिर भी चल यार, क्या करूं, मन भी आया मैं। अच्छा भाई 5 किलो धोल दो यार। अच्छा भाईजान ये गाजर क्या साहब है? 80 रुपए किलो है। ओ भाई यार, क्या कर रहे हो आप लोग यार? भाजन साहब, बात का टाइम नहीं है, बहुत रात हो गई है, लेना तो लो जल्दी बताओ, चलो। क्या करेंगे, आगे दुकानें भी बंद है सारी, क्या करूं, हर तरफ दुकानें बंद है। अच्छा भाई 3 किलो पालक भी ये दे दो, गाजर। कितने पैसे हुए? 500 रुपए। 500 रुपए इन दो चीजों के? 500 बहुत डिस्काउंट के बाद बोला है। चलो जी। अरे यार, ये होती है रमजान की कमाई। अब्बू। हाँ मेरा बच्चा। अब्बू मेरे पेट में बहुत दर्द हो रहा है, डॉक्टर के पास ले जाए। अरे मेरा बच्चा, मेरा राज, अभी तुम्हें लेके चलता हूँ। अब्बास भाई जरा मेरी दुकान का ख्याल रखना, मैं डॉक्टर के पास जाता हूँ। अस्सलाम वालेकुम डॉक्टर साहब। वालेकुम सलाम। मेरे बच्चे के पेट में बड़ा दर्द हो रहा है। अच्छा, इसको यहाँ बैठाएं। जाओ मेरा बच्चा, आराम से बैठो बेटा। बेटा जरा सांस लो। चॉकलेट खाई थी बच्चे ने। अच्छा चॉकलेट खा ली थी, रोटी सीधी चॉकलेट मत खाया करो। समझाता रहता हूँ, सुनता नहीं है। ऐसे ये जरा बस पेट पे इसके जरा सूजन सी लग रही है। सही है, मैं कुछ दवाएं लिख देता हूँ उसको, वो दे देगा। सही है ना? ठीक है सर। दवाएं इत्तेफाक से मेरे पास ही हैं, तो आप मुझसे ही ले लिए। ये 3 सुबह के वक्त दे दिएगा, ठीक है ना, सुबह दोपहर शाम। अच्छा इसी तरह ये भी सीरप है, ये भी इसको सुबह दोपहर शाम दे दिएगा। सही है, ये 3 दिन तक देना, 3 दिन का कोर्स है। सही है, और उल्टी सीधी चीज़ें मत खाया करो। बेटा कितना खर्चा हो गया? 500 रुपये फीस है। 500 रुपये? डॉक्टर साहब क्या हो गया, क्या ऑपरेशन कर रहे हो क्या? अरे भाई मेरी फीस यही है 500 रुपये। 500 रुपये डॉक्टर साहब। जी बहुत बहुत शुक्रिया, आ जाओ मेरे बच्चे। बेटा ख्याल रखना अपना। सही है, शुक्रिया डॉक्टर साहब, आ जाओ मेरे बच्चे। क्या हो गया यार, गाड़ी खराब हो गई? नहीं। हाँ मैं देखता हूँ, एक मिनट, पता नहीं क्या मसला हुआ, मैं देखता हूँ। पता नहीं, समझ में नहीं आ रहा क्या हुआ।
लगता है किसी मैकेनिक को पकड़ना पड़ेगा। हाँ बेटा तुम बाहर आ जाओ, चलो तुम इसे आओ, तुम बाहर आ जाओ। सही है, भाईजान जरा सा एक मिनट आइएगा मेरे साथ। क्यों भाई, यार गाड़ी खराब हो गई है, जरा एक मिनट देखिए। ख्याल रखियो, मैं अभी अभी आया। क्या हो गया तुम्हारी? यार ये पता नहीं है, जरा बच्चे के साथ जाऊँ, जरा देख ले यार, जरा तो चल का आका ढूंढते हैं। हाँ हाँ आ जाओ आ जाओ। अबे भाई भाई मियां गाड़ी को यार, ये जरा सामने खड़ी है तो टाइम लगता है थोड़ा, मगर मैं अभी तुम्हारी गाड़ी को यू ठीक कर दूंगा। कर दे यार, बच्चा साथ है यार, जरा मसला हो रहा है, जरा देख ले भाई। पता नहीं क्या हो गया, मैं देखता हूँ। हाँ तुम देखो देखो, तुम्हारे पास टूल किसने? टूल किट हाँ मैं दे रहा हूँ, लेकर आओ। आम तो कुछ भी नहीं है, रमजान का तोहफा ले लूं, 500 रुपए कमा लेता हूँ। वैसे कोई आया ही नहीं, 500 रुपए कमा लूंगा भाई मियां। टूल किट तो ले आओ। अच्छा ला रहा हूँ ला रहा हूँ ला रहा हूँ। तुम्हारे पास टूल किट भी नहीं है? नहीं नहीं। पीतल का ठाका तुम्हारे मुंह पे लगाऊं? अरे यार बस जो मैं अभी करता हूँ, ठीक अबर कर लो, सीट पे बैठो। अच्छा बैठ रहा हूँ, भी नहीं करना, दो थारे लानी है। हाँ दुबरा हेल्प लगाओ। अच्छा अच्छा छोटे के पास आए थे, बाहर निकलो। हो गई, आ जाओ आ जाओ। वाह यार, हाँ भाई देखा हमारा, तुम तो कमाल आदमी है यार। हमारे आज कल लाओ ढीले करो, 500 रुपए बच्चे के साथ कोई लूट के ले जाता तो तुम्हारा क्या होगा यार। तुम्हारा शुक्रिया यार मेरे भाई, ज्यादा शुक्रिया नहीं करो, और जब भी गड़बड़ो मेरे पास, मैं बिल्कुल बुलाऊंगा, बिल्कुल आ जाऊंगा। आ जाना मेरे पास, जाओ 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 जाओ। बापारी मस्तानी है मेरी, महबूबा पागल आता पागल, तो सारे जोड़ी रमजान की बरकत हो गई, 500 रुपए का वाली है। अल्लाह तेरा शुक्र है, 500 रुपए मेरे हो गए। बड़ी मुश्किल से कमाया, मोबाइल वाले गरीब आदमी हो, नहीं यार 500 रुपए थे वो भी लेके चले गए। तुम्हारी पीछे से तुमको ही मारूंगा, मैं तुम्हारे पीछे पीछे भागूंगा। अबे ले गए मेरी महबूबा को ले गए। अबे और रुको, बेटा इस तरह के नोट सड़क पे मिलने वाले और चोरी बहुत बुरी बात होती है, ये नोट खर्च करना अच्छी बात नहीं है, चलो आओ इसको मस्जिद में दे देते हैं चल के। आओ
फातिहा पढ़ के कितना सुकून मिलता है। आप देखा है कहानी 500 रुपए की? देखा आपने, जब हराम रस्ते से किसी चीज को कमाने की कोशिश की जाए तो वो आपके पास से अल्लाह यूं छीन लेता है जैसे जैसे स्विस बैंक में पड़ा हुआ रुपया। स्विस बैंक में है ना, यूज तो कोई कर नहीं सकता। बस यही मसला है। रमजान का महीना है, रमजान का बजाय के हिदायत में, बजाय के इस्लामी उसूलों के मुताबिक इस महीने को गुजारें। और इस महीने को क्यों नहीं, इस महीने को गुजार के अगला साल भी इसी तरह गुजारें तो अल्लाह बरकत डालेगा। मौत, खौफ, लूटमार, दहशतगर्दी, स्वीट क्राइम सब खत्म हो जाएंगे क्योंकि नफ्स मुतमईन हो जाएगा। इस 500 रुपए की कहानी से ही नसीहत पकड़ी है क्योंकि नसीहत बहुत जरूरी है। हराम से बचिए, ये सबसे बुरा फेल है। हराम कमाई सिवाय तबाही के कुछ नहीं लाती। मैं जगा रहा हूं और जागना आपका काम है। أشهد أن محمد رسول الله.